السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. This درس the first day रज़ल अन्हुमा की रिवायत है और जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत दुनिया में रहने के अंदाज़ के हवाले से वारिद हुई है कि ऐसे रहो जैसे कि एक अजनबी शख़्स किसी जगह मुक़ीम हो या ऐसे रहो जैसे कि कोई मुसाफिर है और अपनी हाजत के एतबार से वो किसी जगह रुकता है और हाजत पूरी करते हुए आगे बढ़ जाता है गरीब के हवाले से बात चल रही थी कि गरीब का मफहूम क्या है और ये बताया गया कि वो कि, वो किसी को न जाने और लोग उसको न जाने गोया कि यहाँ मामला अजनबीयत का है जहाँ मारफ़त नहीं पहचान नहीं और जब मारफ़त और पहचान नहीं होती तो फिर वहाँ ताल्लुक़ भी कायम नहीं होता और दुनिया से इंसान का ताल्लुक जितना कम कायम होगा उसी क़दर उसका ताल्लुक़ आखिरत से बढ़ेगा ये दोनों चोली दामन का साथ है एक से ताल्लुक़ कम होगा तो दूसरे से बढ़ेगा तो अगर दूसरे से अपना ताल्लुक बढ़ाना है तो एक से अपना ताल्लुक कम करना ज़रूरी है इसीलिए नबी वसल्लम ने ये मिसाल लोगों को समझने के लिए दिया कि यहाँ हम अपना ताल्लुक़ कम से कम कायम करें यहाँ हम इस हैसियत से रहें कि हमारा वतन है ही नहीं यहाँ पे और हम बहसीत एक उस मुसाफिर के हैं कि जिसे किसी जगह ठहरने का किसी जगह एकामत का मौक़ा मिला है वो ठहरे हुए हैं या बहसीत उस शख़्स के हैं कि जो चलते हुए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो ठहर गए रुक गए और ज़रूरत पूरी करते हुए आगे बढ़ गए यहाँ से जब लोग उम्र करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं तो रास्ते में ज़रूरत के तहत कहीं ठहरना होता या नहीं कहीं किसी को हमाम की ज़रूरत है तो गाड़ी रोक ली गई किसी को चाय वग़ैरह पीनी है तो गाड़ी रोक ली गई किसी को नमाज का वक्त आ जाने की वजह से नमाज पढ़ने की ज़रूरत पेश आ गई तो गाड़ी रोक ली गई लेकिन कितनी देर के लिए जितनी देर में उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और फिर दोबारा वो अपनी गाड़ी में आकर के अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है उससे ज़्यादा वो ठहरना वहाँ पे कतई गैर मुनासिब तसूर करता ऐसा नहीं होता कि किसी को इस्तंजा की जरूरत पड़ गई तो इस तरह में ठहरा और दो दिन ईजार पे कमरा ले लिया और दो दिन के बाद फिर वहाँ से मक्का मुकर्रमा उम्र की अदायगी के लिए आगे बढ़ा मुमकिन है रास्ते में फिर कहीं इसजय की ज़रूरत महसूस हो तो इस तरह से सफ़र नहीं करते आम तौर पर इंसान का यह मिजाज नहीं है सफ़र का इसीलिए लिए दूसरी मिसाल नबी करीम ने सल्लम दिया इल्म ने ये आओ जो दोनों के बीच में आया हुआ है इस अव का माना और मफहूम अलग अलग अंदाज में पेश किए कि ये अव किस माने में है किसी ने कहा यह तखीर के माने में किसी ने कहा ये वाहत के माने में है किसी ने कहा ये इजराब के माने में है जराबा को मारना इजराब अलग अलग मानी और मुफाहिम के तहत हर एक ने आओ का ये मफहम ज़िक्र किया तखीर का मतलब होता है ये या ये, ये। कि आप दुनिया में इस हैसियत से हैं या इस हैसियत से हैं दोनों हैसियतों को जिक्र कर दिया गया कि यह भी ठीक है यह भी ठीक है और इबाहत का भी मफहम उससे मिलता जुलता है कि ये भी आपके लिए जायज़ है इस हैसियत से दुनिया में रहते हैं और यह भी आपके लिए दुरुस्त है अगर इस हैसियत से आप रहते हैं दुनिया में और इजराब का जो मफहम है उसमें पिछले मफहूम को जो बयान किया गया है उस मफहम से आगे बढ़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हुए उससे बड़ा मफहम उसके सामने पेश किया गया कि जो बात कही गई है कि आप यहाँ मुकम की हैसीयत से हैं नहीं नहीं इससे भी बढ़ करके आप बहसीयत उस मुसाफिर के हैं कि जो ठहरा नहीं है ठहरा तो चंद सानिये के लिए चंद मिनटों के लिए कुछ घंटों के लिए अपनी हाजत को पूरी करते हुए फिर आगे वो बढ़ता है उस मुकैम की तरह से नहीं है जो अपने वतन के अलावा में एक लंबे वक्त के लिए ठहर जाता है गरचे वहाँ के लोग उसे न जानते हों या वो वहाँ के लोगों से वाकिफ ना हो तो इधरा आपका माना यह है कि पिछला जो मफहम जिक्र किया गया है उससे भी दकीफम जो आने वाला है उसकी तरफ उसको मुंतकिल किया गया है कि तुम्हारी मिसाल इससे ज़्यादा करीब है पहला ही कम अहम नहीं है लेकिन दूसरा जो मफहम है आबिर ये मफहम उससे भी ज़्यादा दकीक है तो इस एतबार से दुनिया में रहने वालों की ये मिसाल प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई है कि जो शख़्स भी दुनिया में है उसे चाहिए कि वो अपना वतन अपना मंजिल समझते हुए यहाँ ना ठहरे गुज़रगाह गुज़रगाह समझते हुए गुज़रगाह समझते, समझते हुए वो यहाँ पर ठहरा हुआ है और हसब ज़रूरत और हसब हाजत यहाँ की चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है अजनबियत के हवाले से थोड़ा सा ताम किया जाए तो दो तरह की बातें यहाँ सामने आती हैं एक वो जिसका ताल्लुक जिस्म से दूसरा वो जिसका ताल्लुक दिल से है क्या मतलब यानी जिस्मानी तौर पर हम एक दूसरे को नहीं पहचानते तो एक दूसरे से ताल्लुक भी नहीं या बराए नाम ताल्लुक है सलाम कलाम उठना बैठना ये जिस्मानी ताल्लुक है कि दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ हमारा जिस्मानी जो ताल्लुक है वो हमारी अजनबीयत की वजह से बरा नाम है हसव जरूरत है। ये तो हो गया जिसम और दूसरा यहां जो गुरबत का वफूम आ रहा है वो दिल से क्या मतलब दिल से दिल दुनिया में मौजूद बिल्कुल सही दुनिया में मौजूद जो भी चीजें हैं मता मताए दुनिया अभी क्या था दुनिया में रहने वाले लोगों से ताल्लुक और अभी जो बात कही जा रही है चीजों से ताल्लुक दुनिया में मौजूद चीजों से दु, दु, दुनिया में मौजूद चीजों से ताल्लुक तो दुनिया में जो मौजूद मता है दुनिया कुल मता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मुकम्मल ये मता है फायदा उठाने का सामान है तो इससे हमारा दिल का ताल्लुक न रहे अजनबीयत रहे हमारे दिल से उसकी अजनबीयत रहे और दिल के अंदर जब इंसान किसी चीज़ को जगह दे लेता है तो उसका ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी उसकी बढ़ जाती है उसका छोड़ना उसके लिए मुश्किल होता और उसकी खातिर अपना सब कुछ लुटाना आसान होता तो गरीब कह कर के प्यारे नबी ने सदी तल्लक़ क़ायम करने से दुनिया से दुनिया के सामान से दुनिया के सामान से कोई भी सामान इन अमाल को माओलाद को फितना पूरा दुनिया की सारी चीज़ों के हवाले से तो उससे दिली ताल्लुक इंसान अपना कायम ना करे दुनिया के किसी भी चीज से दिल का कोई ताल्लुक ना हो फिर दिल से किसका ताल्लुक हो सिर्फ रब करीम से रब करीम से उसका ताल्लुक दिल से हो दिल अल्लाह आलमीन ने बनाया ही इसीलिए है दिल रब्बे करीब ने बनाया ही इसीलिए है ताकि उसमें जगह अगर दी जाए तो सिर्फ़ अल्लाह आलमीन को जगह दी जाए उसकी मोहब्बत को जगह दी जाए उसके अहकाम को जगह दी जाए उसके मरगूबात और पसंदीदा चीज़ों को जगह दी जाए ना कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को ना कि लोगों की पसंदीदा चीज़ों को और जब इसकी मुखालफत में इंसान आ जाता है और दिल से उसका ताल्लुक़ दुनियावी किसी भी चीज़ के हवाले से होने लगता है तो ऑटोमेटिक रब की मोहब्बत कम होती है मगलूब होती है और दूसरी चीजें उस पर छा जाती है और रफ्ता रफ्ता वो इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है देखिए रब करीम ने कहा بعضهم बद अद एक दूसरे का दोस्त अल्लाह ने ममिनिन को बताया मोमिन एक दूसरे का दोस्त तो क्या करना है उनके उनके हवाले से उनसे मोहब्बत करनी है क्योंकि दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है और वल्लीना आमन अशद दोहबल्ला कि अहले ईमान अल्लाह रबुलआलमीन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मोहब्बत में उनके यहाँ सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से होती है सबसे बढ़ करके क्या एक इंसान से एक इंसान से दिली मोहब्बत नहीं की जा सकती है दिल के अंदर उसकी मोहब्बत को जगह दी जा सकती तो क्या रब्बे करीम के लिए जगह कम नहीं हो जाएगी दिल के अंदर हैं संत मन अहबलिल्ला वो وابغض لله. अगर उस हवाले से कर रहा है तो वो की मोहब्बत है वो रबी की मोहब्बत है लेकिन यहाँ एक चीज और आती है कि काफिर अगर माँ बाप हूँ तो क्या उनसे मोहब्बत नहीं की जा सकती तो क्या उनसे भी मोहब्बत करने का हुक्म है अच्छा उनके साथ अच्छा सिला करने का और अच्छा मामला करने का हुक्म है किया जाए लेकिन क्या दिली मोहब्बत की जा सकती है उनसे काफिर माँ बाप से भाई बहन से करीबी रिश्तेदारों से की सभी नहीं कर सकते। कोई नई कोई नई चीज़ है या बिल्कुल नॉर्मल चीज है जी क्या बता रहे हैं ना, कर सकते हैं यानी दिली मोहब्बत हो सकती है या नहीं और के से दिली नहीं होगी नहीं हो ये वही ना बात जो बात कीजिए डट के कीजिए सब लोग मुआफिक हैं है। या करेंगे मोहब्बत की जगह दिल ही ग्यां ग्यां ग्यां। तो नहीं नहीं। दिली है कोई और जगह नहीं है जिसम के अंदर जैसे मोहब्बत की जाए

वो खुल करके फर्क नहीं कर रहे हैं एक है फितरी मोहब्बत और एक है इख्तियारी मोहब्बत एक है फितरी मोहब्बत और एक है एक है सर बोलिए ज़ुबान से बोलिए। इख्तियारी मोहब्बत, इख्तियारी मोहब्बत। फितरी मोहब्बत अलग है इख्तियारी विति मोहब्बत अलग है हज़रत उमर रजील का वाक़या मालूम है सबको मालूम है। जल्दी से हाँ बोलिए क्यों नहीं खोल जो गुफ्तगू चल रही है उसी से

ने कहा मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करें माँ बाप से भाई बहन हर एक से सबसे बढ़ करके जब तक ना करें वाक़ मशहूर है क्या कहा हाजर थे उम्र रजील उन्होंने अपनी, अपनी जान के अलावा वकिया सब चीज़ों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है अपनी जान को छोड़ के फिर क्या हुआ अभी नहीं आ उमर अभी ईमान आपका मुकम्मल नहीं है क्या कहा उन्होंने पलट करके जान से भी ज्यादा अल्लाह के नवीसम आपसे मोहब्बत कर रहा हूं तब नबी वसल्लम ने कहा आ या आऊम अब आपने जो इख्तियार किया है ये परफेक्ट क्या है इस वाक्य के अंदर इस मौजूक की रोशनी में जोबत है, है।, है, जो है, है। वाकई से जोड़ करके बताइए

गालिब सामने साहब मैं अपने नस के बाद आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ इसके बाद आप ने करेक्शन दिया कि ये ईमान कम नहीं है जब तक के अपने ज्ञान से भी वो फितरी मोहब्बत से भी बढ़कर इख्तियारी मोहब्बत में इख्तियार करना होगा जिससे मोहब्बत करनी होगी तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा ये है असल जवाब ये है असल जवाब कि हज़रत उमर रज़ी ने ये समझा इस हदीस से कि इंसान फ़ितरी तौर पर किसी न किसी चीज़ को चाहता है फितरी तौर पर फितरी तौर पर इंसान के अंदर अपने मुल्क की अपने शहर की अपने बस्ती की अपने अज्जाकारीब की अपने घर की और अपने दिल की हर चीज़ की फितरी मोहब्बत रब करीब ने हर इंसान को अता की हुई है आपने जब ये जिक्र किया कि कोई मुसलमान नहीं हो सकता मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि नबी सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाए तो उन्होंने कहा वही फितरी वाला मामला कि अपना नफ़ सबसे ज़्यादा प्यारा हर इंसान को फितरी तौर पर होता है उन्होंने उसका तस्करा कर दिया तो जब नबी वसल्लम ने कहा मामला अभी पूरा नहीं हुआ ईमान की बात है ईमान की बात है कि जब तक रसूल सबसे आगे ना हो जाएंगे लोगों में उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो उन्होंने फितरी मौजू को शर्यी मौजू की तरफ मुंतकिल किया कि आप शर् ऐतबार से गुफ्तु कर रहे हैं कोई इंसानी ऐसा मौजू नहीं है जैसे कि एक इंसान बहुत सारे मौजूद को बहसीत एक इंसान के लेता है उसका तस्करा होता है उसकी खबर होती है उसकी जानकारी होती है और फिर वो बात आई गई ख़त्म हो जाती है तब उन्होंने समझा हज़रतमर रजील्ला तो कि गुफ्तू ये शरीय की है और शरीय में अल्लाह रबालमिनकाफ़ अमन शाह अफमिन शाह अख्तियार है रब की तरफ से आप चाहो तो कुफर का रास्ता इख्तियार करो चाहो तो ईमान का रास्ता इख्तियार करो यश ये रब की तरफ से इख्तियार दिया हुआ है दिल में है नहीं ऐसा कुछ दिल नहीं चाहता है कि नमाज की तरफ जाए लेकिन हमें इख्तियार दिया गया है कि आप इस ठंडक के बावजूद भी वजू बनाओ और जाओ मस्जिद की तरफ हमारे ईमान की वजह से तो दिल चाहे ना चाहे हमें इख्तियार करना है तो अगर ऐसा इख्तियार करने पर हम कदिर हैं तो गोया कि हम इख्तियारी तौर पर हर वो काम कर सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की चाहत है हमारे दिल के ऊपर वो डिपेंड नहीं है फितरी फितरत के ऊपर वो डिपेंड नहीं है कि फितरत में कौन सी चीज़ ज़्यादा प्यारी है फितरत में कौन सी चीज़ कम प्यारी है तो ये शर्य गुफगु है तबाही नहीं है कि दिल में किसकी मोहब्बत ज़्यादा है बसीियत फितरत के बहसीत फितरत के जो हर इंसान के दिल में किसी न किसी की मोहब्बत होती है वो जो जिसके दिल में मोहब्बत होती है उसका शरीत से कोई लेना देना नहीं शरीत से कोई लेना देना नहीं यानी हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं इसका शरीय से क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक नहीं है इजाज़त है। दुनिया में हर चीज़ की इजाजत है इसकी भी इजाजत है हमें अपने उस खेत वाले घर से ताल्लुक है दिली ताल्लुक है ये फितरी है कोई मसला नहीं लेकिन अगर शरीयत की तरफ से हुक्म आ जाए कि आप वहाँ से छोड़ करके आप यहाँ आ जाओ तो तमाम तर ताल्लुक़ के बावजूद हमें सब कुछ छोड़ करके और किधर आना होगा जिधर हमको बुलाया गया यही तो हुआ मदीने में मक्का से बुला करके और मदीना उनको पहुँचा दिया गया कि आप वो सरजमीन छोड़ दीजिए बावजूद इसके कि वो उनकी पैदाइश की जगह थी वहाँ पले बढ़े और वहाँ हर तरह का ताल्लुक़ उनका कायम था हर तरह के चाहते उनकी मौजूद थी लेकिन शरीयत की तरह से हुक्म आया इसे छोड़ दो छोड़ दिया। तो ये है वो मोहब्बत जो इख्तियारी है और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमसे तलब किया गया तो फ़र्क है हमारे दिल में जो चाहत पहले से मौजूद है और शरीयत की तरफ से जो हमसे तलब किया गया है दोनों में फर्क है पहले से जो मौजूद है उसके ताल्लुक से कोई गुफ्तु को नहीं की जा रही है पहले से जो चाहत मौजूद है उसको इनकार नहीं किया जा रहा है कि गलत है सही है जो है, है कोई बात नहीं लेकिन वो टकराव के तौर पर सामने ना आने पाए जो आपसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कहा जा रहा है ये मोहब्बत कहीं सामने ना आ जाए टकराव के तौर तो पर हुक्म पहले और ये मोहब्बत के साथ पूरी चाहत के साथ इसको इख्तियार करना है पूरी चाहत और पूरी अपनायत के साथ इस हुक्म को इख्तियार करना है तो ये है वो मोहब्बत जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से हमें अपने दिल के अंदर बसा लेने का हुक्म है कोई दूसरी चीज़ इस दिल के अंदर इसके अपोज़िट में ना आने पाए इसके मुआफ़त में आ रही है तो आए इसके अपोज़िट में आ रही है तो उसके लिए दिल में जगह नहीं है इसको ज़रा समझने की है कि इसके मुआफ़त में अगर कोई मोहब्बत आ रही है जो हमारे इस चाहत को और आगे बढ़ा दे इसी लाल ने कहा अमिन बाद, ईमान की वजह से है ये ये रिश्ता ईमान की वजह से है इसके लिए चूँकि एक दूसरे के लिए मुआविन है इसलिए उसको वहाँ पे जगह देने में कोई हरज नहीं है लेकिन जो रुकावट की शक्ल में आ जाए शरीयत की इस चाहत के रास्ते में उसके लिए दिल में जगह नहीं है और दुनिया से ताल्लुक़ दुनिया से दिल का ताल्लुक़ ये उन्हीं रुकावटों में से एक है ये चीज़ समझने की है दुनिया से दिल का ताल्लुक़ दुनिया से दिल का मोहब्बत ये उन्हीं रुकावटों में से एक है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने से वो मना करता है यह हमें रोक देता है यह हमें सुस्त कर देता है यह हमें गाफिल कर देता है इसकी गुंजाइश नहीं है इसके लिए गुंजाइश नहीं है यही चीज यहां समझाई गई है गरीब कह करके कि सारी चीजें इस दिल से गरीब होनी चाहिए इस दिल के अंदर इस दिल ये दिल किसी को नहीं पहचानता यह दिल किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता सिर्फ इसका ताल्लुक उनसे है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लाने वाले हैं और उस तरफ हमें आगे ले जाने वाले हैं सिर्फ उन्हीं चीजों से दिल ताल्लुक रख रहा है ऐसा हमसे कहा गया ऐसा करो ऐसा है नहीं कौन कहा गया ऐसा रहो ऐसा अपने आप को बनाओ फित्री तौर पर ऐसा नहीं है तौर पर इंसान ऐसा नहीं है फितरी तौर पर वो इंसान दुनिया की सारी चीजों से मोहब्बत करने वाला है ढेर सारी मोहब्बतें करने वाला है उसकी तरफ मायल होने वाला है लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि ये मैलान तुम्हारा जाहरीन रहे ये मैलान तुम्हारे जिस्म का रहे दिल का ना हो क्योंकि दिल की तरह दिल के अंदर उसकी जगह अगर बन गई और दिल के साथ आपका महिला बन गया तो फिर जो मकसूद है इस दिल के जरिए से वो हासिल नहीं हो सकेगा तो जोहद का ये जो मफहूम है गुरबत का ये जो मफहूम है तो पहला जो मफहूम है वो इंसानों से है, दूसरा जो मफहम है वो सामानों से पहला जो मफहम है वो इंसान से और दूसरा जो मफहम है वो सामान से इंसान से है क्योंकि उसके साथ ताल्लुक ये दिलों ही की तरफ ले जाने वाला है वो मार्फत अगर हासिल हुई और सामान से अगर ताल्लुक उसका कायम रहा तो वो उसके दिल को गलत जिहा के अंदर फेर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा ये बहुत जाम वसीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर बारहा गौर करने की ज़रूरत है कि दुनिया में हमारी ज़िंदगी कामयाब तरीन ज़िंदगी कैसे बने किस चीज़ का कितना और कैसा ताल्लुक़ हो यहाँ इस बात की वजाहत की गई है या इशारा उस तरफ़ किया गया है और इसी के साथ जब उस रिवायत को जोड़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि दिल से ताल्लुक़ किस चीज़ का है और जिसम से ताल्लुक़ किस चीज़ का है जिसमें पैर नवी सलाम ने साफ लफ्ज़ों में कहा बदाल इस्लामू गरीबन व उदो गरीबन कमा बदा फ़तूबा للغرباء ये रिवायत सुने नहीं सुने ये नवाम कितनी 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 बार सुने होंगे इस रिवायत को इतनी मशहूर है रिवायत, लेकिन क्या मफहूम है इस रिवायत का बदल इस्लाम गरीबन इस्लाम अजनबियत के साथ शुरू हुआ उसे गरीबन और अजनबीयत की तरफ वापस आएगा अजनबियत के साथ वापस आएगा खतूबा ऐसे अजनबी लोगों के लिए शत है जन्नत है खुशखबरी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ वसीयत किया है उसकी खबर है वहाँ पे। यहाँ वसीयत है यानी तलब है यहाँ पे, और वहाँ पे खबर है तलब यानी आपने हमें ऐसा करने के लिए कहा है और वहाँ खबर दे दिया है कि ऐसा हुआ और ऐसा होगा खबर खबर और तलब इन्हीं दोनों का नाम है शरीयत खबर और तलब पूरी शरीयत ख़बर और तलब में तो इस रिवायत के अंदर प्यार वसल्लम ने इस्लाम के बारे में वाजे कर दिया कि इस्लाम गुरबत के साथ अजनबियत के साथ शुरू हुआ और अजनबियत के साथ वापस आएगा इसका एक सादा सफह क्या होगा यानी जब इस्लाम आया तो उसे लोग नहीं जानते थे और आखिर में भी इस्लाम लोगों के दरमियान ऐसे ही अजनबी रहेगा लोग नहीं जानेंगे इस वक्त क्या लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं। जानते हैं। फिर भी रोजाना कोई ना कोई महदी पैदा होता है और कोई ना कोई ईशा पैदा होता है और ये कहते हैं कि बस मैं आ गया आखिर वक्त है और मैं आ गया इस्लाम गुरबत के साथ शुरू हुआ है और गुरबत के साथ वापस आएगा यानी वो तालीमत जो नबी करीम वसल्लम ले करके तशरीफ लाए लोग उससे वाकिफ़ नहीं थे लोग बेशुमार लोगों की पूजा करते थे बेशुमार की इबादत करते थे आप एक रब की इबादत करने का पैगाम ले करके आए ये उनके लिए अजीब लगा अजीब लगा कि नहीं और साफ लफ्ज में उन्होंने कहा कि इसको हम कैसे है? आयत क्या है वो हसंत अजा लिहता हसंत अजा लिहता इलादा इन तो ये चीज उनके लिए बड़ी अजीब बात थी और ये अजीब व गरीब बात बाप दादा के ज़माने से ऐसे ही चली आ रही थी तो, तो बहुत अजनबी हो गया ना इसीलिए उन्होंने कबूल नहीं किया अजनबी को कोई कबूल नहीं करता अजनबी को कबूल लोग नहीं करते लोगों ने नहीं कबूल किया अजनबी होने की वजह से क्या आज भी इस्लाम अजनबी है 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 वाला। इसको हल्का सा प्रेशर यहां पर दे करके और आएंगे तो आपको लगेगा कि हर शख्स के यहाँ इस्लाम का कोई ना कोई हिस्सा अजनबी है वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात हो गई कि वो लोग तोहहीद को नहीं समझते जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर बरक़ है कि लोगों ने तोहेद और वोबीत ही को सब कुछ समझ रखा है उलूत को नहीं समझते और उस जमाने के मुशरिक से ज़्यादा गए गुजरे हैं ये मौजू अपनी जगह पर आए अहले तोहद के यहाँ भी इस्लाम का बहुत सारा पहलू अजनबी है इस्लाम का बहुत सारा हिस्सा अजनबी है अजनबी यानी या तो जानते नहीं या जानने जैसा सलूक नहीं करते मानते नहीं उसको आप बताइए फजर की नमाज़ में क्यों एक सब भी नहीं होती मगरिब की नमाज़ में देखिए तीन चार सफ़े हो जाती हैं नहीं होता ऐसा है कि नहीं है होता है कि नहीं होता ऐसा होता है कि नहीं होता अदीस को अगर अपनी ज़िंदगी पर फिट करेंगे तो समझ में आएगा कि नबी करीम जो हमें पैगाम देना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से उसका किस कदर ताल्लुक़ है हमने तो एक मोटा सा लिया कि उस जमाने में नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम पेश किया लोग उसको कबूल नहीं किए क्योंकि उनके यहाँ नहीं था आज भी वो चीज़ मौजूद है बहुत सारे लोग नहीं कबूल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाएं तो ये समझ में आएगा कि इस्लाम का हर वो हुक्म जिसको हमारे दिल ने नहीं पहचाना पहचानने की जरूरत थी दिल में जगह बनाने की जरूरत थी अगर आपके और हमारे दिलों ने इन चीजों को पहचान करके दिल में जगह दी होती तो सौतेलापन का यह सुलूक हम नहीं करते सौतेलापन का यह जो सुलूक है हमारा ये ये हमारी जिंदगी में आता कभी नहीं आता सिर्फ ये एक मिसाल जो मैंने दिया है वही एक मिसाल नहीं है कारोबारी जिंदगी में आप चले जाए तो सूदी लेन देन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है और कहेंगे एक ऐसा दीन है जो हमारे तरक्की के रास्ते की रुकावट है यानी इस दीन ने हमारे रास्ते पर ब्रेक लगा दिया हम आगे बढ़ नहीं सकते तो इसका माना यह हुआ कि आप सूद लीजिए आपको आगे बढ़ना है आप सूद लीजिए सूद आपके लिए सही है और रिश और धोखा मामलात की दुनिया के अंदर जितना चाहे जी 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 भर करके आप धोखा दे लीजिए बस सामान आपका निकलना चाहिए सामने वाले को आप जैसे तैसे करके चिपका दें आपके होशियारी का एक आला तरीन सबूत होगा बहुत होशियार आप कारोबारी हैं। आप तो हर चीज को निकाल देते हैं दो नंबर ही हो तीन नंबर ही हो वो आपके बाएं हाथ का खेल है जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जिस शरीयत ने हमें सख्ती से मनर फलई समिनना या मनर फलन्ना गश करने वाला हम में से नहीं है अगर इन तलीमत को हमारे दिलों ने पहचाना होता दिल से यारी उसकी रहती दोस्ती रहती और मोमिन और मोम्रा उलियाबाद अगर ये मामला रहता तो ऐसा मामला क्यों करते हम इस, इस तरह के मामला की, की गुंजाइश है बातों बातों में गालियाँ उल्टी सीधी हरकतें ख़ास तौर से अपनों के साथ औरों के साथ ऑफिस के अंदर बोस के साथ जो अपने मैनेजर हैं उनके साथ वहाँ तो बहुत मदद होकर के और बिल्कुल खुश और खुजू के साथ अपने घंटों को पूरा करना ये हमारे लिए बहुत आसान सी चीज़ है और ऐसा करना हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ लेकिन वहाँ से घर का सफ़र जो तय होता है तो घर पर हमारी सूरत हाल थोड़ी सी बदल जाती है वहाँ वो ओलते उसी ऑफिस के अंदर रख करके और घरों के अंदर के ऊसूल जबे अलग हो जाते उस प्यार से घर के अंदर बोलना एक जुर्म अजीम हम क्यों समझते हैं भाई कारोबारी मैदान के अंदर लोगों ने इसको कामयाबी का एक निहायत ही बुनियादी और अहम जरिया इसको करार दिया है तो अगर शरीयत ने यह चीज सिखाई हुई है तो घर के लिए और घर के अफराद के लिए वो चीज क्या उससे ज्यादा अहम नहीं है बाहर वालों के साथ जो हमारा चेहरा है वही चेहरा घर वालों के साथ क्यों नहीं हो सकता हम दो तरह के तस्वर की जिंदगी क्यों जी रहे हैं घर वालों के साथ हमारा गम व गु़स्सा बढ़ करके होता छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त न करना और गज़ो गज़ब के अंदर आना और चीज़ों को तोड़ फोड़ डालना और तरह तरह की हरक़त करना ये अपनी मर्दानगी का एक पुख्ता सबूत के तौर पर हम पेश कर देते हैं लेकिन वही चीज़ अपने बड़ों के जिनकी निगरानी में हम होते हैं वहाँ मामूली सी भी हरकत करना अपने लिए गुनाह अजीम समझते हैं ये किसी ने सिखाया क्या शरीयत का एक हिस्सा हो सकता है या आधी अधूरी है शरीयत? मैं ये सब मिसालें क्यों दे रहा हूं गुर्बत की जिंदगी गुजारने का शरीयत ने जो हुक्म दिया है वो दुनियावी चीजों में दीनी में नहीं समझ रहे ना कि गुर्बत की जिंदगी किस चीज में दुनियावी उमूर से मुतालिक, दीनी उमू से गुरबत वाला मामला नहीं होना चाहिए पलट दिया हमने मेयार को पलट दिया दुनियावी उमूर में सब चीज़ें हमारे लिए मुतारफ हैं और दीनी उमूर में बहुत सारी चीजें हमारे लिए गरीब और अजनबी बन गई है एक एक मसाला हमारे लिए जो कि निहायत ही मोहतम बिसान है

वह इधा वही फलातन तो दिलमस माना तो सब लोग जानते हैं इसका बहुत आसान सा जुमला उन्होंने कहा है बहुत आसान सी बात उन्होंने कही है सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो पर कहना क्या चाहते हैं वो बबारकल्लाफी बेहतरीन माना है और क्या कहना चाहते हैं भाई ये शादी सी बात है सुबह हो जाए तो शाम ना इंतजार करो शाम हो जाए तो सुबह इंतजार ना करो मौत, मौत, मौत बारे कर एक पैगाम असल में वो देना चाह रहे हैं इसके पीछे वो एक पैगाम देना चाहते हैं उनका पैगाम ये है कि काम करो टालो नहीं टालने वाला सिस्टम छोड़ दो पैगाम देना चाहते हो बहुत मुतासर हुए वो नबी करीम की इस वसीयत से वो बहुत मुतासर हुए और मुतासिर होने के बाद फ़ौरन ही उन्होंने ये बात कही हदासबाह तफला मसा, वही वहीदा मसही तफला तन तदरस यानी काम करते रहो काम छोड़ो नहीं पर कौन सा काम कौन सा काम किस तरह के काम की बात उन्होंने कहना चाहिए अब्दुल्लाबिन रज़ी आनुमा मैं इस मौके पर एक जुमला जो बहुत मशहूर है मैं ज़िक्र कर दूँ ताकि उसके उसकी रोशनी में हम अपनी کو آگے بڑھائیں ایک جملہ جمله مشهوره اعمل لدنياك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخر خيرتك كأنك تَمُوتُ غدًا بارك الله فيك اعمل لدنياك یہ بہت مشہور جملہ ہے کانکا بولیے تعيشو ابدا یہ دنیا کا ہو

जोड़ दें तो दुनिया का काम ऐसा कीजिए कि की जैसे हमेशा हमेशा आपको रहना हो दुनिया का काम ऐसा कीजिए कि की जहाँ हमेशा हमेशा रहना हो यानी एकदम पुख्ता चीजें एकदम बेहतरीन चीजें हैं है? एकदम नंबर वन का काम से करते ज़िंदगी बात कन्न कई अबदन हमेशा हमेश जहां रहना हो वहां के लिए काम हल्का फुल्का करेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा जबरदस्त काम करना होगा भाई जुमले को सामने रख करके महोम मता, बताएंगे ना ये ये मशहूर चीज है और लोगों के यहाँ इस पर अमल है इसकी रोशनी में लोगों की जिंदगियां हैं कि दुनिया के लिए काम ऐसा करो कि जहन में यह बात रहे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक मरतब आप कीजिए और वो हमेशा हमेशा आपका साथ देता रहे और आखिरत के लिए अगर काम करें तो काम चलाओ सरकार कल जाना ही है ऐसा कर लीजिए कल कल निकलना है कल के लिए आज के दिन का गुजारा हो जाए देखेंगे कल का अन्न खत्म ख़तम ऊँ तो ये तस्वर है लोगों के जहनो दिमाग में ये मफहूम लोगों के जहनो दिमाग में चल रहा है कि दुनिया का काम ठोस कीजिए क्योंकि आपको हमेशा रहना है और दीन के काम को आखिरत के काम को ऐसे कीजिए जैसे कि उसकी ज़रूरत वक्ती तौर पर है क्योंकि वो सब चीज़ें आने वाली हैं बाद में जिसको हम नहीं देख रहे हैं बाद में आने वाली हैं वक्ती काम चल जाए ये तस्वूर है लोगों के जहनो दिमाग में जो कि बिल्कुल सही और दुरुस्त नहीं है जो कि बिल्कुल गलत बिल्कुल उलट तो फिर सही मफहम क्या है आए यहाँ मकसूद है एहतमाम करने का यह मकसूद है एहतमाम आप एहतमाम से इस काम को आगे बढ़ाएं इसका ज्यादा एहतमाम करें अगर दुनिया से उसका ताल्लुक हो तो आप आज कर लें जो नहीं होगा वो कल कर लेंगे आपको हमेशा रहना है दुनिया में तो उसके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है आपको यहां तो हमेशा हमेशा रहना है तो नॉर्मली तरीके से उसके काम को आगे बढ़ाएं, करते रहें शाम हो जाए छोड़ दें फिर दूसरे दिन उसको करें नहीं हुआ तीसरे दिन कर लें नहीं हुआ उसके बाद कर लें जब यहां रहना ही रहना है हमेशा हमेश के लिए रहना है तो नॉर्मल तरीके से उस काम को आगे बढ़ाते रहें, का अन्न का दाइश आबदन दुनिया के काम को नॉर्मल तरीके से लें कैसा एहतमाम हो उसका नॉर्मल दुनिया के मसाइल का मामला कैसा रहेगा नॉर्मल क्यों नॉर्मल क्योंकि जो काम आज नहीं पूरा होगा वो आज का काम कल कर लेंगे कोई मसला नहीं जो हो गया हो गया नहीं हुआ कल कर लेंगे उसमें फिक्र की कौन सी बात है यह मामला है दुनिया का दुनिया के हवाले से पर आखिरत के हवाले से आज का काम आज ही करना है जो भी मशक्कत उठानी पड़े अभी करना है जबरदस्त <laughs> किसी ने कहा है कल का काम आज कर आज करे सो अब परले होएगी बहुर उठेगी कब खैर तो आखिरत के कामों के हवाले से इंसान का एहतमाम क्या होगा तखिर की गुंजाइश नहीं है उस काम को जो हमारे ऊपर है या हमारे हैसियत में है या हमारे बस में है या हमारे इमकान में है हमारे ताकत में है हमारे दायरे के अंदर है तो उस काम को निपटा करके ही आगे के बारे में सोचेंगे अजान हो गई एहतमाम अब ये घंटी बज ही रही है अजान हो रही है अब इसके अलावा चारों तरफ जिधर निगाह निगाह उठाएं असला ही नजर आ रहा है जिधर भी आप देखें असला ही नजर आ रहा है जब तक कि जाकर के इसको अदा न करें यह है अहतमाम मुखर नाम की चीज़ आखिरत के कामों के हवाले से बिल्कुल ही इंसान न करे वरना वो चीज़ एक वक्त आएगा जाए कर बैठे कर देगा चे जाए कि आज का काम कल के ऊपर टाल दे चे जाए कि आज का काम कल के ऊपर टाल दे सलफ के हवाले से बल्कि एक बूढ़ी खातून के हवाले से मैंने पढ़ा कि काफी ऐसा पहले की बात है कि उन्होंने उजू बनाया और अभी अजान का वक्त नहीं हुआ तो पूछा गया अजान हो गई यानी आप वजू बना रही हैं इसका सीधा साधा मफहूम यह है कि अजान हो गई है अब नमाज की तैयारी आप कर रही हैं तो उनका जवाब था कि नहीं मैं अपने रब के बुलावे का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ मैं पहले से तैयार हो करके उस बुलावे के आने से पहले मैं अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ कि जब बुलावा आए तो मैं बिल्कुल रेडी रहूं और पहुंच जाऊं और उस काम को अंजाम दे दू इसको कहते हैं एहतमाम कि आखिरत के काम के हवाले से टाल मटोल वाली चीजें इंसान के अंदर ना आए क्योंकि आने वाला कल मैय है इंसान आने वाले कल में मैत थे वो तो ये चीज फौत हो जाएगी जो अभी नहीं कर रहा है अगर नहीं किया तो फौत हो जाएगा इसीलिए एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्ली सलाता था मुद्दे बार फिर सल सलाता था मुअे सल सला नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि किसी शख्स के जैसे किसी किसी शख्स ने आखिरी नमाज पढ़ी हो ज़िंदगी बिल्कुल सामने खड़ी है और आखिरी काम करने की गुंजाइश किसी इंसान को मिली हुई है तो उसने नमाज को इख्तियार किया कि मैं नमाज पढ़ लूँ और फिर रवाना हो जाऊँ तो उस नमाज को इंसान कैसे अदा करेगा उस तरीके से नमाज को अंजाम दो आखिरी सल सला तौत यानी बड़े अहतमाम के साथ बड़े सलीके के साथ और पूरे मजबूती के साथ पूरे तहसीन के साथ जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह आहसिनों कह करके नमाज के अंदर और दीगर और ख़ैर के कामों के अंदर हसन पैदा करने का हमें हुक्म दिया है ये है दरअसल इस हदीस का वो मफहूम जो प्यारे नबी प्यार ने मुराद लिया है तो फरमाते हैं इदा आम सईता वला तन तदरस वहीदा असबाहता वला तन तदरीम कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो माना क्या निकला अभी कर लो माना क्या निकला शाम का वक्त है अब सोने जा रहे हैं बिस्तर पे तो कल से दुआ पढ़ेंगे नहीं दुआ भी पढ़ लो क्योंकि मरने जा रहा है ना आदमी कान खत्म हो तो कानूथन मरने जा रहा है बल्कि हकीक़त में जो दुआ नबी क़रीम वसल्लम ने उस मौके पर सिखाई है वो मरने ही वाली दुआ सिखाई है क्या है दुआ अमूत व बसम का अमूत व अहया और जब वहां खुलती है तब कौन सी दुआ सिखाई अहमा नुशूर यानी उस मौके पर हमें जो तस्वर नबी वसल्लम ने दिया है वो मौत और जिंदगी का तस्वर दिया है जब मौत और जिंदगी का यह तस्वर है हर रोज प्यारे नबी हर उस शख्स को जो भी बिस्तर पे जाता है उसे यह तस्वर दे रहे हैं कि आप मरने जा रहे हो तो फिर वो कैसे अपने अंदर यह हौसला पैदा करे कि नहीं कल से शुरू करूंगा तोबा करना है बहुत सारी गलतियां हो गई कल से करता हूं यह हौसला एक इंसान अपने अंदर खास तौर से जब शाम का वक्त हो और मरने का वक्त करीब हो भाई हर शाम को इंसान मरता है जब उसके मरने का वक्त करीब हो तो कम अज कम उस दिन से मुतालिक वो इंसान क्या करे ता, ता, गौर करे उस दिन के ताल्लुक से गौर करे क्या खैर क्या शर और जो शर है तोबा और इस्तिग़फ़ार मरने से पहले पहले ऐसा तोबा इस्तिग़फ़ार कर ले कि मरने के बाद रब करीम के यहाँ अगर वो पहुँचे तो मुतमिनलबाल हो क्योंकि रब करीम ने अगर उसके उस रूह को जो रोक लिया है वापस नहीं किया तो हमेशा हमेशा के मौत के मुंह में चला गया सूर्य उमर में अल्लाह ने जिक्र भी किया है किसको आयत याद है अयुआ अल्लाह तो फलोहा आगे क्या कहा عليها सिकुल्लती ويرسل सिकुल्लती तो अल्लाह मौत देता है हर शख्स को मौत दे देता है हर रोज जब जब वो सोने के लिए विस्तर पे जाता है मौत देता है या तवफ़ल वफल है ही न है सोते वक्त वो लतीम तो मुतफी मना भी है और जो उस वक्त नहीं मरा सबको मौत अल्लाह देता है फयम सिकुल्ल कदा अलमौत जिसका वक्त पूरा हो जाता है उसकी रूह को अल्लाह वहीं ऊपर ही रोक लेता है कहता है आपका पूरा वक्त हो चुका है आप वापस नहीं जाएंगे वापस नहीं आएंगे लेटे लेटे रह गए भाई तोबा करना था तो फिर वो क्या होगा उसका क्या होगा अभी बहुत सारे गुनाहों से तोबा करना था बहुत सारे लोगों से माफी तलाफी करनी थी बहुत सारे कामों को ठीक करना था इसीलिए हज़रत अब्दुल्ल उमर कहते हैं फला तो सुबह का इंतज़ार नहीं करो और सुबह हो जाए तो फिर तो इससे भी पता चला कि कामों में से एक अजीमोल शान काम तोबा और इस्तार है इन्हीं कामों में से एक अजीमोल शान तोबा और इस्तार है जो नबी वसल्लम कसरत से करते थे क्योंकि किस वक्त किस इंसान का बुलावा होगा वो किसी भी शख्स को पता नहीं है इसलिए वो अपने आप को पूरे तौर पर रेडी रखे अपने आप को पूरे तौर पर तैयार रखे कि हम मौत के करीब हैं और तैयारी हमारी पूरी है जैसा कि बाज़ असलाफ के बारे में कहा जाता कि उनसे अगर कहा जाए कि आपका मौत फला वक्त फला दिन है तो वो अपने कामों में से किसी भी चीज का इजाफा नहीं कर सकते थे क्या मतलब हुआ उन्होंने तो अपने जिंदगी के अवकात को सुबह से शाम तक ऐसा उन्होंने तकसीम कर रखा था कि कोई भी वक्त बे मतलब बे मकसद बचता ही नहीं था उनकी ज़िंदगी के अंदर बाकी ही नहीं रहता था कि जिसमें कुछ मज़ीद खैर के आमाल को दाखिल किया जा सके या तो नमाज़ का वक्त है या तो क़ुरान का वक्त है या किसी किताब के पढ़ने का वक्त है या नफली अवात का है या सवाल जवाब का है या किसी उस्ताद के पास का है सुबह से शाम तक के उनके सारे अवत इस तौर पर तकसीम थे कि अगर वो उसमें से कुछ इजाफा करना चाहें तो उनके पास इजाफे की गुंजाइश नहीं होती थी उन्हीं में से एक हम्बाद सलमा रम्ह का नाम उन लोगों ने लिया فلا तो المساء व खुद मिन لمرضك का حياتك व मिन का और अपनी तंदुरुस्ती से मरज के वक्त के लिए तोशा ले ले यानी वो चीज़ें ले लें जो हमारे काम आने वाली है जिसकी ज़रूरत हमें होने वाली है क्योंकि इंसान हमेशा सेहतमंद नहीं रहता हमेशा तंदुरुस्त नहीं रहता बल्कि बीमारियां उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं तो इसी वो कहते हैं कि एक इंसान बीमारी के एयाम में बीमारी के हालात में वो काम करने पर क़ादिर नहीं होता है जिसकी वो चाहते करता जिसम इसकाबिल रहता ही नहीं तो अगर उसने क़वत के एयाम में तंदुरुस्ती के एयाम में तंदुरुस्ती के अवकात में भरपूर उसका इस्तेमाल अगर नहीं करता तो बकिया जो कमज़ोरी के एयाम आ रहे हैं बीमारी के अयाम उसके आ रहे हैं ये सारे आमाल जो आखिरत के लिए उसे अंजाम देने थे वो यूं ही बाकी रह जाएंगे उन्हें वो इख्तियार नहीं कर सकेगा और ऐसे ही वो मिन हयाती का लिमो और अपनी इस ज़िंदगी से कुछ ऐसी चीज़ें ले ले जो मौत आ जाने के बाद वो हमारे काम आ सके जिंदगी लंबी है या मौत कितने सारे अफराद हैं जो दस बीस पचास साठ सत्तर सौ साल गुजार करके दुनिया से गए और अब तक वो मौत ही के आगोश में है साल साल बीत गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गए हुए चौदह सौ से ऊपर साल बीत चुके हैं इतना इतना अरसा बीत गया है तो मौत के अवकात लंबे हैं यानी मौत और उसके बाद के अवकात बड़े हैं और जो जिंदगी रब करीम ने बख्शी हुई है ये बहुत महदूद और बहुत मुख्तसर है लेकिन वो जिंदगी इसी के ऊपर मुकम्मल डिपेंड है इसी के ऊपर मौकूफ है तो अगर एक शख्स उसकी तैयारी के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो उसके मौत के बाद के लिए बख्श हो सके तो यकीनन उस शख्स ने वो काम किया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इख्तियार करने का उसे पाबंद बनाया तो इस हदीस से मकसूद ये है कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के लिए बतौर तोशा के इख्तियार करें और दिल से उसका जो ताल्लुक़ है वो उन चीज़ों को बनाए जो उसके लिए हम आखिरत की ज़िंदगी के लिए नफा बख्शूँ और जिस्म का ताल्लुक उसके अपने दुनियावी मसा मसाइल को हल करने के लिए रब करीब ने बख्शे हुए हम लोगों ने दो हदीस पढ़ी थी इतफा करते हैं टाइम हो गया इसी पर इकतफा करते हैं सुबह नकल जी